न्यू ईयर की डांस पार्टी में रहस्यमयी कत्ल, डांस फ्लोर पर चली गोली से बच्चे की मौत, डीजे की धुन पर नाचते लोगों के बीच फायरिंग, गोली चलाने वाले का कोई अता पता नहीं, ये कैसा जश्न कि जिसमें एक बच्चे की जान ही चली गई। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके का है, जहां डीजे की धुन पर डांस करते इस भीड़ के बीच अचानक चली एक गोली ने एक ही झटके में सारी खुशियों को मातम और अफसोस में तब्दील कर दिया। गोली यहीं खड़े होकर डांस देख रहे 10 साल के एक बच्चे को लगी, और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, बच्चे की जान चली गई। ये वीडियो 31 दिसंबर की रात का है। इलाके के लोगों ने गली में नए साल का जश्न मनाने के लिए डीजे लगवाया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि नए साल की यही तारीख अभी किसी की मौत लेकर आने वाली है। डीजे पर नाचते इन्हीं लोगों के बीच 10 साल का मासूम रेहान भी था, जो अपने भाइयों और दोस्तों के साथ जश्न में शामिल होने पहुंचा था, और वारदात के वक्त डांस फ्लोर से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा होकर लोगों को नाचता हुआ देख रहा था। लेकिन अचानक गोली चली और फ्लोर में भगदड़ मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, गोली लगने से लहूलुहान होकर रेहान जमीन पर गिर चुका था। इस वक्त हम दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में मौजूद है। दरअसल यहाँ पर एक बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई है। बच्चे का नाम रेहान बताया जाता है। इसी जगह पर ये पूरा वाकया हुआ जहाँ मैं मौजूद हूँ। देर रात का वाकया। ये बताते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पर डांस कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने, अभी साफ नहीं है कि एक ने या दो लोगों ने गोली चला दी, जिससे कि एक बच्चा है जिसका नाम रेहान है, उसकी मौत हो गई। बात लोगों ने बुरी तरह जख्मी हालत में पड़े मासूम रेहान को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। उनके हाथ में ही देखा गया था। अच्छा। तो उसमें उसका चेहरा जो है क्लियर नहीं आया वो। अच्छा। हाँ, ये नहीं पता चला कि किसका था। अब कुछ लड़के उठाए हुए हैं, उनसे मालूम चलेगा। अच्छा। कि कौन कौन थे उस सर्कल में। तो इसी जगह ही डांस हो रहा था, इसी जगह पर। हाँ, वो बच्चे यहाँ पर खड़ा होकर देख लिया था, तो उसी में ही हुआ है ऐसा। अच्छा। जबकि ये इनके ताऊ हैं, उसके बच्चे के, ये यहीं खड़े थे। हाँ। और इनके पापा भी यहीं खड़े थे। अच्छा। इतनी देर में कोई गोली चला गया। रेहान की जान तो चली गई, लेकिन ये बात अब भी एक राज बनी है कि आखिर डांस फ्लोर पर गोली चलाई किसने। जाहिर है ये भी साफ नहीं है कि गोली किसी ने जानबूझकर चलाई या फिर किसी के पास रखे असलहे से गलती से चल गई। गोली चलाने वाले के पास कोई लाइसेंसी हथियार था या फिर नाजायज असलहा। इन सारे सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं है। अब गोली चली है और मासूम की मौत भी हुई है, तो मामले में पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है, और ऐसे में अब पुलिस का सारा जोर रेहान के कातिल को ढूंढने में है। वारदात के वक्त रेहान के 3 भाई भी वहीं मौजूद थे, लेकिन सबकी आंखों के सामने रेहान की जान चली गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये कह रहे थे कि यहाँ पर डीजे पे डांस हो रहा था, बच्चे पार्टी कर रहे थे, तो अचानक एक धमाके की आवाज हुई, तो लोगों ने एकदम चौंक के देखा, तो पता चला यहाँ गोली चली, और जिसके अंदर गोली रेहान को लगी और उसे लेके सब हॉस्पिटल गए। वैसे पुलिस ने फिलहाल कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है।